तो महा डीबीटी के स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कौन से स्कीम के लिए अप्लाई करना है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना है, कितनी इनकम पे कौन सी स्कीम के लिए आप एलिजिबल रहोगे, साथ ही में सक्सेसफुली अप्लाई करने के बाद आपको कितनी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आएगी, ये सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा ताकि आपको स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। तो वीडियो जो है गाइस वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो गाइस जब भी आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करोगे तो अपनी पूरी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट कर लेना। कैसे कंप्लीट करते हैं डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद गाइस प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद हमें स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें गाइस सबसे पहले हमें जो है वो डिपार्टमेंट चूज करना होता है, ठीक है। तो अगर आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंस डिपार्टमेंट ये वाला जो है वो चूज़ करना, एंड अगर आप एसटी कैटेगरी के बिलोंग करते हो तो आप ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये वाला आपका जो डिपार्टमेंट है वो रहता है, ठीक है। अब देखो गाइस थोड़ी जो चीज़ है वो ध्यान से सुनना तभी आपको समझ में आएगी। देखो अगर आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हो एंड अगर आपके फैमिली की जो इनकम है वो 2.5 लाख या फिर इससे कम है, ठीक है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या फिर इससे कम है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इस स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख या फिर इसके ऊपर जो है वो जाती है तो फिर गाइज आपको जो है वो पोस्ट मैट्रिक ट्यूशन फ़ी एंड एग्जामिनेशन फ़ी, जिसे हम फ्रीशिप भी बोलते हैं, इस स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो इनकम पे डिपेंड करेगा, 2.5 लाख से कम है तो ये वाली स्कीम के लिए अप्लाई करो, 2.5 लाख से ज़्यादा है तो इस वाली स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करो। अब दोनों के क्या बेनिफिट्स होंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। वही अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या फिर उससे कम है तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर आपको वोकेशनल एजुकेशन फ़ी रिबर्समेंट इस स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, एंड जब भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करोगे तो इनकम सर्टिफिकेट आपको जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो गलत इनकम जो है वो मत डालना एंड गलत स्कीम के लिए जो है वो मत अप्लाई करना, नहीं तो आपको फर्दर जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि कौन से डिपार्टमेंट एंड कौन से स्कीम के लिए कितने इनकम पे आपको जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब भी आप स्कीम के लिए अप्लाई करोगे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सपोज देखो गाइस अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख या फिर उससे कम है तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म एंड लिविंग सर्टिफिकेट ये जो है वो कंपलसरी लगेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, एक प्रतिज्ञा पत्र होता है डिक्लेरेशन, वो मैंने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पर डाल दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप फ्रीशिप मतलब 2.5 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है एंड एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कास्ट वैलिडिटी एंड लिविंग सर्टिफिकेट आपको जो है वो कंपलसरी जो है वो लगेगा, ठीक है। वही एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे भी 2.5 लाख के कम हो या फिर अबाउट 2.5 लाख हो आपको लिविंग सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी जो है वो लगनी ही लगनी है, ठीक है। तो ये कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको लगेंगे। यहाँ पे आपको राशन कार्ड वगैरह जो है वो नहीं लगेगा तो उसका ऐसा जो टेंशन है वो मत लीजिए। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि कौन से स्कीम से आपको कितना फ़ायदा होगा एंड आपके बैंक अकाउंट में आपको कितने जो पैसे हैं वो मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप एससी कैटेगरी से हो एंड अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है तो आप इस वाले स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करोगे, ठीक है। ये वाली स्कीम के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो 100% आपकी पूरी जो ट्यूशन फ़ीस है वो माफ़ हो जाएगी, साथ ही में आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो भी माफ़ हो जाएगी एंड जो डेवलपमेंट फ़ीस है वो भी माफ़ हो जाएगी। मतलब पूरे कॉलेज की फ़ीस में आपको बस थोड़ी सी बहुत ही फ़ीस जो है वो भरना पड़ेगा, मतलब कम से कम 10,000 रहता है कुछ कुछ कॉलेजेस का, तो फ्री में भी हो जाता है एंड कहीं कहीं पे 2-3 हज़ार आपकी साल की जो फ़ीस है वो रहेगी। तो ये सारी जो चीज़ है वो आपकी जो है वो फ्री हो जाती है एंड ये जितनी भी फ़ीस होती है ये वाली जो ओपन के स्टूडेंट्स भरते हैं ये आपकी जो फ़ीस है वो गवर्नमेंट जो है वो आपकी तरफ से भरता है, ठीक है। तो कुछ कुछ कॉलेजेस में अदर फीस के नाम पे कुछ एक्स्ट्रा फीस ली जाती है, बस वही आपको भरना पड़ेगा, बाकी सारी फ़ीस तो आपकी जो है वो इस वाली स्कीम के थ्रू जो है वो माफ़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो गाइस जिन स्टूडेंट्स की जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है उनको अपने बैंक अकाउंट में भी जो पैसे है वो मिलते हैं। अगर आपने कॉलेज में हॉस्टल लिया हुआ है तो आपको साल के 12,000 रुपये जो है वो मिलेंगे, ठीक है। एंड अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया हुआ है, आप डे स्कॉलर हो मतलब घर से कॉलेज जाते हो, तो आपको साल के जो है वो 5,500 रुपये जो है वो मिलेंगे अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या फिर उससे कम है तो, ठीक है। वही अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में आपको बस फीस में जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, आपकी फ़ीस जो है वो कम रहेगी एंड आपके अकाउंट में जो है वो पैसे जो है वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो जिनकी इनकम 2.5 लाख है, 2.5 लाख की के कम है तो वो फ्रीशिप के लिए अप्लाई मत करना, यहाँ पे आपको अकाउंट में कुछ भी नहीं मिलेगा। जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है वो इस वाली स्कीम के लिए अप्लाई करना, जिनकी 2.5 लाख से कम है वो इस वाली स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना। तो जिन स्टूडेंट्स की इनकम कम है उनको ज़्यादा जो फायदा है वो मिलता है एज़ कम्पेयर टू जिनकी ज़्यादा है, ठीक है।
वही अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो अगर आपने 2.5 लाख के कम है इनकम एंड आपने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है तो आपकी पूरी 100% फीस, एग्ज़ाम फीस एंड डेवलपमेंट फीस जो है वो माफ़ हो जाएगी, बहुत ही कम आपकी कॉलेज की फ़ीस रहेगी। बाकी जितनी भी कॉलेज की फ़ीस है वो गवर्नमेंट आपका जो है वो भरेगा। अगर आपने हॉस्टल लिया है कॉलेज में तो आपको 1 साल के 12,000 रुपये जो है वो मिलेंगे, एंड अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया है तो 5,500 रुपये जो है वो आपको साल के मिलेंगे, ठीक है, इस स्कीम के थ्रू। वही अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर आपको जो है वो बस फीस में जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, ठीक है। मतलब आपकी फ़ीस गवर्नमेंट भरेगा, कुछ फ़ीस आपको भरना पड़ सकता है, 10,000 के नीचे रहेगी वो, बट आपके बैंक अकाउंट में कोई भी जो पैसे है वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो जनरली जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है उन्हें ज़्यादा जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं, उनके बैंक अकाउंट में पैसे भी आएंगे, बट जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है उन्हें फिर बस फीस में जो है वो कंसेशन मिलेगा, बाकी अकाउंट में आपके जो है वो पैसे नहीं आएंगे। एंड एससी एसटी कैटेगरी की कॉलेज की जो फ़ीस है वो बहुत कम होती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो कंसेशन है वो मिलता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जितने पैसे आपके बचते हैं उसमें आप क्लास या फिर बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो, जिससे आप अपने स्किल्स और अच्छे कर सकते हैं, आगे जाके अच्छा अच्छा जो प्लेसमेंट है वो ले सकते हो, ठीक है। बाकी स्कीम के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया कि कितने इनकम पे कौन से स्कीम के लिए आपको अप्लाई करना है, एंड मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको सारी जो डिटेल्स है वो बता दी है। इसके अलावा आपको अलग से हॉस्टल के लिए जो है मतलब हॉस्टल की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना है, इसमें ही सारी जो चीज़ है वो आ जाती है, ठीक है। तो होप्स हो गई आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर कुछ पूछना है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इसके अलावा मैंने बाकी और सारे डिटेल वीडियो बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग के, कब आपके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप आएगी एंड और भी बहुत सारे, तो वो भी आप देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।